अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी मेरी ओन रेसिपी है। और ये लॉकडाउन के टाइम पे मेरे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि पास्ता खाना है उन्हें, और मेरे पास जो थोड़ा कुछ सामान था भी नहीं, चीज़ वगैरह, ये विदाउट चीज़ बनी है और बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। चलिए तो फिर शुरू करती हूँ मैं अपनी रेसिपी बनाना। ये मैंने पास्ता लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और सॉल्ट डाल के इसे मैं माइक्रोवेव करने रख दूँगी। ये मेरा पास्ता जो है माइक्रोवेव में बॉईल हो रहा है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। जब तक मेरा पास्ता बॉईल होता है, मैं तब तक इसकी सॉस बना लेती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके इस पर अपनी कढ़ाई रख दी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें मैं बटर ऐड करूँ इसमें मैं बटर ऐड कर दूँगी। हाँ, बटर जो हम खाली नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर खाली डालेंगे ना तो इसका जो बटर होता है वो जल जाता है। जो बटर जो है मेरा मेल्ट हो गया, इसमें मैं ये फ्लावर डाल दूंगी। मैदा वैसे मैदा डालते हैं, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है इस टाइम, तो मैदा मेरे घर में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसमें फ्लावर आटा ही डाल दिया है। इसे मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। इसे हमें 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है बटर में। इसे लम्स ना पड़े, ऐसे भूनिएगा, इसमें लम्स ना पड़े बिल्कुल भी। ये जो आटा मेरा भुन रहा है, देखिए बिल्कुल भुन गया। अब इसमें मैं प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल दूंगी। ये लॉकडाउन स्पेशल रेसिपी है, विदाउट चीज़, विदाउट फ्लावर ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी और घर में फ्लावर और चीज़ वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था। लॉकडाउन की वजह से हम बाहर भी नहीं जा सकते, इसलिए मैंने ये ट्राई किया था और मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आपके आपके साथ भी शेयर कर दूँ इसे। इसे मैंने फ्राई कर लिया है इनके। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और इसे चलाते रहेंगे। और दूध ऐड करना है इसमें, ऐसे चलाते रहना है। ये हमारा पास्ता भी जो है बॉईल हो गया है, इसको मैं अब इसके सारे पानी को ड्रेन कर दूंगी। ये मेरा सॉस भी तैयार है, इसमें मुझे थोड़ा सा दूध और डालना है। बस ये दूध से ही इसका जो हमें इसकी जो ग्रेवी है, हमें वाइट सॉस है, हमें इसका दूध से ही बनाना है। अब मेरा ये वाइट सॉस तैयार है, इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। जितना आपको चाहिए अपनी रिक्वायर के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, बस थोड़ा सा ही डालना है। इसे मिला लेंगे। और मैं इसमें एक स्पून शुगर ऐड करूंगी। और इसे अच्छी तरीके से मैं स्टर कर लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा दही भी ऐड कर दूंगी, इससे जो है थोड़ा सा टैंगी टैंगी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अब दही को भी मैं मिला लूँगी। अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी।
इसे स्टर करना है। देखिए कितना सॉसी और डिलीशियस सा पास्ता तैयार है ये, बगैर चीज़ और बगैर जो उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं उनके बगैर मैंने ये पास्ता बनाया है। ये मेरी ओन रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनी है। जब कुछ घर में ना हो लॉकडाउन के टाइम पर तो आप इसे ऐसा पास्ता बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी पास्ता है। इसमें मैं सॉस ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून में, 2 टीस्पून में इसमें सॉस भी ऐड कर दूँगी। इस सॉस को भी हमने सारा स्टर कर लिया है, मिला लिया है इसमें, और ये मेरा पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है, लॉकडाउन स्पेशल पास्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।